फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं लता मंगेशकर का जन्म इंदौर एमपी में हुआ था। उन्होंने शुरुआती शिक्षा म्यूजिक की अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से ली थी। 1945 में उन्होंने मूवी बड़ी माँ में अपना पहला गाना गाया था। उनका गाना ऐ मेरे वतन के लोगों सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू रोने लगे थे। उन्होंने 36 भाषाओं में 35,000 से ज्यादा गाना गाया और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनको नाइटेंगल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वैसे तो उनको अनगिनत अवार्ड मिले, पर उनमें सबसे महत्वपूर्ण है पद्म भूषण, पद्म विभूषण, डॉक्टर फाल्के साहेब अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और सबसे बड़ा भारत रत्न अवार्ड, जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उन्हें 2001 में मिला। उनके फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है और उनके फेवरेट पॉलिटिशियन श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। वे नरेंद्र मोदी को भी बेहद पसंद करती थी और 2013 में ही उन्होंने नरेंद्र मोदी को राखी भेजा था। उनका सपना था कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और एक साल बाद 2014 में यह सपना साकार हुआ। वे हर साल नरेंद्र मोदी को राखी भिजवाती है। ऐसा कहा जाता है कि माता सरस्वती उनके गले में विराजमान है। इस तरह आज उनके देहांत से एक युग का अंत हो गया है, पर वो हमेशा हमारे दिलों पे राज करेगी और हमारे दिलों में ही रहेगी। लता दीदी कहीं नहीं गई।